मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने दो क्लास ले रखा है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी पार्ट को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करवाया था, और दूसरी क्लास में डियर स्टूडेंट मैंने आपको साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आज की भी क्लास में डियर स्टूडेंट ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था डियर स्टूडेंट कि हम जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बात और डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट। मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। बोला है कोई धन यम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 यम हो जाता है, तो वह 9 यम कितने वर्षों में हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है यह चक्रवृद्धि ब्याज से गुना वाला प्रश्न है। जो स्टूडेंट हमारी पहली क्लास देखा होगा वो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है। बोला है यम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 यम हो जाता है। 4 वर्ष में 3 यम हो जाता है। मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट कि वह धन यम 4 वर्ष में 3 यम हो जाता है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में डियर स्टूडेंट 3 यम हो जाता है। 4 वर्ष में 3 यम हो जाता है, कहने का मतलब यह है कि 4 वर्षों में वह जो धन है 3 गुना हो जाता है। 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 1/3 गुना होने में 4 साल लग रहे हैं, यानी कि 1/3 गुना होने में 4 साल लग रहे हैं। तो दूसरा 3 गुना होने में भी कितने साल लगेंगे? तो दूसरा 3 गुना होने में भी डियर स्टूडेंट आपका 4 साल लगेंगे। तो दूसरा 3 गुना करोगे तो आपका 9 यम हो जाएगा, यानी कि वही धन आपका 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 9 गुना होने में यानी कि 9 यम कितने वर्षों में हो जाएगा। तो 9 यम कितने वर्षों में हो रहा है? 4 और 4 8 साल में डियर स्टूडेंट वही धन आपका 9 गुना हो जा रहा है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है। 1/3 गुना होने में 4 वर्ष लग रहा है ना, तो 1/3 गुना और कर दो तो 9 * 27 यम हो जाएगा, और इस 3 गुना में भी 4 वर्ष और लग जाएंगे, तो टोटल कितने? 4 * 4 = 8 = 12, यानी कि वही धन 12 वर्ष में आपका 27 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में गुना वाले प्रश्न मैक्सिमम आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा कांसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका गुना पर आधारित है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, मैंने मान लिया कि वह धन x है जो कि 6 वर्षों में, कितने वर्षों में? 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 6 वर्ष में 3x हो जाता है।
यानी कि एक तीन गुना होने में, यानी कि एक तीन गुना होने में डियर स्टूडेंट 6 साल लग रहे हैं, तो दूसरा तीन गुना होने में कितने साल लगेंगे? दूसरा तीन गुना होने में भी आपका 6 साल लगेंगे, तो दूसरा तीन गुना होगा तो ये आपका 9x हो जाएगा। लेकिन आपको 27 गुना तक जाना है तो एक तीन गुना और कर दो और 6 साल यहाँ पर और लग जाएंगे, तो इस तरीके से एक तीन गुना और करोगे तो 27 गुना हो जाएगा। यानी कि उसी धन को 27 गुना होने में कितने साल लगे? 6, 6, 12, 6, 18 यानी कि 18 साल में वही धन आपका कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आपको बेसिक कांसेप्ट प्रॉपर्टी पता है तो ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में कर सकते हो। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, और जितने भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं आपको कराऊंगा टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यदि आप पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन भी साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ लिया जाए आपसे छूटेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक व्यक्ति बराबर धन 2 बैंकों में 4.5% तथा 5% वार्षिक दर पर जमा करता है, यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज रुपया 247 मिला हो तो प्रत्येक बैंक में जमा किया धन कितना है, ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक कोई व्यक्ति है जो कि 2 बैंकों में बराबर धन जमा करता है, एक बैंक से उसको ब्याज 4.5% मिलता है और दूसरे बैंक से ब्याज उसको 5% मिलता है, और दोनों बैंक से मिलाकर जो टोटल ब्याज आता है 247 रुपया, तो आपको बताना है कि प्रत्येक बैंक में वो कितना पैसा जमा किया था। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बैंक में वो ₹P जमा किया था। मैं मान लेता हूं कि वो प्रत्येक बैंक में ₹P जमा किया था, तो 247 रुपया उसको साधारण ब्याज मिलता है। पहले बैंक पर दर जो है वो आपका 4.5% है और दूसरे बैंक पर दर जो है वो आपका 5% है, तो 247 रुपया साधारण ब्याज मिलता है दोनों बैंक में। तो पहले बैंक की हम बात करते हैं तो क्या होगा, मूलधन गुणे दर आपका है 4.5%, 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2%, तो इसको मैं लिख देता हूँ 9/2%। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, समय आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये पहले बैंक की बात हो गई, यानी पहले बैंक का साधारण ब्याज ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे बैंक का, तो मूलधन तो वही रहेगा, दर आपका 5% है, समय आपका 2 साल है, आप बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 247, 9 × 18, या तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर दो तो मिल जाएगा आपको 9P/100 प्लस का यहाँ पर 5×10P/100, इसी को हल कर लो तो मिल जाएगा कितना, 247×100 = 10×9=19P, ठीक है ना। ओ अब देखो 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 × 57, तो पी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 13×100 यानी 1300 रुपया, यानी प्रत्येक बैंक में जो पैसा जमा किया था उसने वो 1300 जमा किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है। देखिए बोला है किसी धन को 2 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो होता तो ब्याज रुपया 72 रुपया अधिक मिलता, तो वह मूलधन क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात आपको ये समझना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपया हमको अधिक मिलता, तो आपको बताना है कि वह मूलधन क्या है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, हमको तो ये सोचना है कि 72 रुपया ज्यादा क्यों मिल रहा है, 72 रुपया ज्यादा आपको इसलिए मिल रहा है
क्योंकि ब्याज की दर 3% अधिक होने की वजह से। तो 72 रुपए ज्यादा मिला तो मूलधन तो वही रहेगा, गुणे दर कितना परसेंट, 3% बढ़ने की वजह से 72 रुपए मिला है तो गुणे दर 3 हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है, समय इन्होंने दे रखा है 2 साल बटे का 100। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 12, 2 से काटेंगे तो 2 × 24, तो 12 × 100 निकल लो, तो पीक वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1200 रुपया। यानी कि जो मूलधन का मान है वो आपका 1200 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट है। तो देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको बेसिक कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक बात और हमेशा ध्यान में रखना कि यदि जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक अथवा आईटीआर के इंटरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कम से कम 2 से 3 घंटा तैयारी करो। होता क्या है यदि पहले से स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं होता है, जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाता है तो जल्दी जल्दी पढ़ने में मतलब निगेटिव मार्किंग होता है तो बहुत सारी चीजों को छोड़ देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है जिससे आपको रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए। बहुत सारे स्टूडेंट ने गाल दिया कि हमारा सर रैंक इतना है हो पाएगा कि नहीं, तो आपको सोचना ही ना पड़े कि हमारा इतना रैंक है तो हमारा किस ब्रांच से एडमिशन होगा या किसी भी ब्रांच को पा पाऊंगा कि नहीं, ये सारी चीजें आपको सोचना ही ना पड़े। इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले से ही आप अच्छी तरीके से तैयारी बना कर रखिए। इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जो ब्रांच आपको चाहिए वो आपको 100% गारंटी के साथ मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डियर स्टूडेंट, किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी हो तो समय होगा। यदि वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी हो तो समय होगा। तो ध्यान से देखो, बोला है किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 2/9, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/9 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मूलधन की जो वैल्यू है वो आपका x है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 2/9 तो 2/9x हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी है। वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी है तो यदि मैं दर को मान लेता हूं y% है तो समय क्या होगा, समय आपका हो जाएगा 2y, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है वर्षों की संख्या 10% की दोगुनी है, यानी दर यदि y है तो समय आपका 2y होगा। अब आपको समय बताना है कि समय कितना होगा, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। तो साधारण ब्याज यदि इसमें आपका 2/9 या मूलधन आपका x है, दर की वैल्यू आपका y है, समय की वैल्यू आपका 2y है, बटे का 100 कर दो, ix से x पक्षा में, a 2 से 2 पक्षा में, तो कैलकुलेट कर लो कितना मिलेगा, y² बराबर आपको मिल जाएगा 100/9, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 10/3, ठीक है, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10/3। आपको समय का मान बताना है ना, तो 2y है समय तो 2, अब y की वैल्यू आपका है 10/3, तो हो जाएगा आपका कितना 20/3 साल। 20/3 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 साल हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 सही 2/3 साल होंगे। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल कांसेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, यदि आप ध्यान से एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना तो इस टाइप से एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे छूटना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, बोला है डियर स्टूडेंट एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9680 तथा 3 वर्ष में 10648 हो जाता है, यदि ब्याज दर प्रतिवार्षिक हो तो वह धन तथा ब्याज दर पर क्रमशः होगी। यानी कि आपको मूलधन और ब्याज दर की वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन की भाषा को समझो, कोई धन है कि
वर्ष में 9,680 हो जाता है और 3 वर्ष में 10,648 हो जाता है। बोला है कि यदि ब्याज दर प्रति वार्षिक को दो, आपको धन तथा वार्षिक दर कितना होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो देखो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,648। 3 साल में वह जो धन है 10,648 हो रहा है और 2 साल में कितना हो रहा है, 9,680, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि धन तो समान है, वही धन 3 साल में 10,648 हो रहा है और वही धन 2 साल में 9,680 हो रहा है। तो 9,680 से 10,648 क्यों हुआ, 9,680 से 10,648 क्यों हुआ, 9,680 से 10,648 इसलिए हुआ डियर स्टूडेंट, जो आपका 9,680 रुपया है ना, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा, तभी तो आपका 2 साल में 9,680 से 10,648 हुआ, क्योंकि 9,680 पर कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा। तो हम देख लेते हैं कितना ब्याज जुड़ा है, तो देख लेते हैं कितना ब्याज जुड़ा है, तो घटा लेते हैं, 8 में से 0 जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा 6, फिर यहाँ पर आपका 15 में से 6 जाएगा 9, यानी कि 968 रुपया ब्याज मिला है, किस पर, 9,680 पर, इसीलिए 3 साल में वो 10,648 हो गया। अब देखो 968 रुपया ब्याज मिलना है किस पर, 9,680 पर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो। अब देखो 10 से 10, 968 से 968, तो आर की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 10%, यानी ब्याज दर आपने निकाल लिया 10%, ब्याज दर आपने निकाल लिया 10%। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन की वैल्यू निकालना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आपका होता है मूलधन 1 + R/100 n। तो 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन 9,680 है, मूलधन नहीं पता है, ठीक है, 1 + आर की वैल्यू आपका है 10/100, ठीक है। अब देखो 9,680 बराबर ये पी गुणे है, काट दो तो 10 × 10 है कि 11/10 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 121/100। अब हम काट देते हैं, ठीक है, अब हम काट देते हैं, ठीक है। अब देखो 11 से काटेंगे तो 11 क्या है, हम 121 11/88 0, फिर 11 से काटो तो 11/88 0, तो 80/100 करो, 80/100 करोगे तो P की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 80/100 आपका हो जाएगा 8,000 रुपया। इस तरीके से बाबू जो मूलधन होगा वो आपका 8,000 होगा और जो 10% की वैल्यू होगी वो आपका 10% होगा, मूलधन की वैल्यू 8,000 होगी और जो 10% की वैल्यू होगी वो आपका 10% होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सारे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, एक बार यदि आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डियर स्टूडेंट, ए ने बी को रुपया 2,000 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, ठीक है, 6 वर्ष के पश्चात बी ने रुपया 2,500 तथा 1 घड़ी देकर ऋण चुका लिया, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा, ए आपको क्या हो जाए, ए ने बी को रुपया 2,000 7% साधारण ब्याज पर दिया, लेकिन बी करता क्या है 2,500 रुपया दे देता है और एक घड़ी दे देता है ऋण को चुकाने के लिए, तो आपको बताना है कि घड़ी का मूल्य कितना होगा, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, मिश्रधन निकाल लेते हैं, मिश्रधन की वैल्यू कितनी आएगी ए हम निकाल लेते हैं, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस का साधारण ब्याज,
तो मूलधन कितना दिया था? मूलधन दिया था उन्होंने 2000 रुपया। अब साधारण ब्याज निकालो 2000 का, तो मूलधन साधारण ब्याज दर बढ़ क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा था, तो मूलधन की वैल्यू आपका है 2000, दर की वैल्यू आपका है 7। कितने साल के लिए दे रहे हैं? 6 साल के लिए दे रहे हैं, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय 6 साल बटेगा 100। तो इस तरीके से आपने मिश्रधन निकाल लिया, मूलधन प्लस साधारण ब्याज दर करके। अब है डबल जीरो से डबल जीरो खर्चा में, तो मिलेगा आपको क्या 2000 रुपया यहाँ से। अब देखो 6 × 7 = 42, अब 42 × 20 करोगे कितना होगा? 42 × 84 यानी कि 840 रुपया ब्याज मिली, तो कितना मिलेगा? 2840 रुपया टोटल मिश्रधन देना होगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट जो है बी को देना पड़ेगा ए को, तो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा बी को वो 2840 रुपया। अब ये करते क्या है, 2500 रुपया नगद दे देते हैं, तो वो भैया 2500 नगद दे दिया, तो कितना बता 0, 4, 8 में से 5 जाते हैं, यानी कि 2500 रुपया नगद दे देते हैं और एक घड़ी दे देते हैं। तो जब 2500 नगद दे देना यानी कि घड़िया का मूल्य कितना था 340 रुपया, यानी कि जो उन्होंने घड़ी दिया उसका जो मूल्य होगा वो आपका 340 रुपया होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घड़ी का मूल्य 340 रुपया होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोला है एक किसान ने पंपिंग सेट लगाने के लिए 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया, उसने 2 वर्ष बाद ₹6900 देकर ऋण अदा किए। उसने ऋण लिया था यानी कि उसने कितना ऋण लिया था ये आपको बताना है, उसने कितना ऋण लिया था ये आपको बताना है, ठीक है? तो ध्यान से समझ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद ₹6900 देकर ऋण अदा किया, यानी कि जो मिश्रधन की वैल्यू है वो आपका 6900 है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस का साधारण ब्याज। तो मिश्रधन कितना है? 6900 रुपया। आपको मूलधन नहीं पता है तो पी ही रखो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन तो आपका पी है, दर की वैल्यू कितना है? दर की वैल्यू आपका है 9%, और समय कितना है? समय इन्होंने दिया है डियर स्टूडेंट 2 साल का, तो यहाँ पर समय आपका 2 साल बटे का 100 कर दो, ठीक? अब इसी को आप साल कर दो तो 5900 बराबर, इसको आप साल करोगे कितना होगा? 100p 9×18p यानी 118p बटे का 100 हो जाएगा। अब देखो 59 आपका होता है 118, 2 से काटोगे तो ये आपका 50,000 में कटेगा, तो पी की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 50 × 100 यानी 5000 रुपया, यानी जो मूलधन की वैल्यू थी वो आपका 5000 था। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो उन्होंने ऋण लिया था वो 5000 रुपया लिया था। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, बस ध्यान से आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपको कम से कम 2 से 3 हजार स्टूडेंट से आगे लेकर जाएंगे, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझाने वाला हूं। देखो ध्यान से, केवल लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। बोला है एक व्यक्ति ₹5000 का ऋण 12% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, जिस पर ब्याज प्रति छमाही देता है, ठीक है? वह प्रत्येक छमाही के अंत में ₹1800 का भुगतान करता है। अपने ऋण का पूर्णतः भुगतान करने हेतु वह 18 माह बाद भुगतान कितना करेगा यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन की भाषा को समझो, बोला है एक व्यक्ति जो है ₹5000 ऋण लेता है 12% के ब्याज, जो ब्याज दर है बोला है कि छमाही दे है, तो आपको यह बताना है डियर स्टूडेंट यदि वह 1800 रुपया प्रत्येक 6 महीने बाद जमा करता है तो उसको 18 महीने बाद कितना पैसा देना पड़ेगा कि वो पूरा ऋण चुका सकेगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप समझो,
सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पर बात की गई है कि जो दर है वो आपका छमाही देय है, जो ब्याज दर है वो आपका छमाही देय है। तो दर आपका क्या हो जाएगा, दर आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 12 का आधा करेंगे हम 6% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है 18 महीने की, यानी कि जो समय यन की वैल्यू होगी, जो समय यन की वैल्यू होगी वो आपका कितना होगा, 3 छमाही। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम करेंगे क्या, पहले 6 महीने की बात करेंगे कि पहले 6 महीना में उसका मूलधन पर कितना ब्याज जुड़ रहा है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं फर्स्ट 6 मंथ, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ में वो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट 6 मंथ में क्या होगा, मूलधन, फर्स्ट 6 मंथ का मिश्रण क्या होगा, मूलधन और उसमें साधारण ब्याज आएगा, क्योंकि हम 6 महीने के लिए जो मूलधन रुपया दे रहे हैं उसका तो हम ब्याज भी लेंगे। देखो मूलधन की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 5000 रुपया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन की वैल्यू तो आपका 5000 है, गुणे दर की वैल्यू आपका 6 है, और समय कितना आएगा, 1 छमाही की बात हो रही है तो 1 आ जाएगा बटे का 100। यहां तक सबको क्लियर है, ये देखो 00 से 00 कैंसिल होगा तो देखो कितना मिल गया, 5000 ए आपका, अब 50 गुणे 6 आपका 300, यानी कितना हो जाएगा 5300 रुपया। यानी कि पहले 6 महीने में जो उसका टोटल मिश्रधन होगा ब्याज के साथ 5300 रुपया होगा। अब वो करते क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में वो 1800 रुपया दे देते हैं। तो 5300 में से वो क्या करते हैं, 1800 दे देते हैं। तो 5300 में से 1800 देंगे कितना मिलेगा, 3500। ये आपका पहले 6 महीने की बात हुई। अब हम बात करते हैं सेकेंड 6 मंथ, यानी कि सेकेंड 6 मंथ की हम बात करते हैं, यानी कि हम 12 महीने के बाद की बात करते हैं। तो 12 महीने के बाद की बात में क्या होगा, मूलधन आपका ए आएगा, क्योंकि 6 महीना तो मैंने निकाल लिया, अब अगले 6 महीने बाद मूलधन आपका ए काम करेगा। तो मूलधन अगले 6 महीने का मिश्रधन निकाल लेते हैं, तो मूलधन आपका 3500 हो गया, प्लस इस 3500 का साधारण ब्याज, तो मूलधन गुणे दर समय कितना होगा, 1 छमाही बटे का 100 करोड़। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3500 प्लस का 35 गुणे 6 कितना होगा, 35 गुणा 70 और 7 3 कितना होगा, 21, यानी 210 रुपया होगा। तो कितना हो जाएगा, 3500 प्लस 210 कितना होगा, 3710 रुपया। यानी कि जो 12 महीने बाद कहो या सेकेंड 6 मंथ बाद जो उसका टोटल मिश्रधन होगा वो आपका 3710 रुपया होगा, ठीक है। अब 3710 में क्या करते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में वो 1800 दे देते हैं। तो 3710 में से 1800 घटा दो तो कितना मिलेगा, 0 और 1 में से 0 जा 1, फिर यहाँ पर आपका 17 में से 8 जा 9 और 1, यानी कि 1910 रुपया। अब यह जो आपका 1910 रुपया होगा ये 18 महीने बाद जाएगा, क्योंकि हमने तो 12 महीने तक बात कर लिया और सीधे इंस्टॉलमेंट भी इसे घटा दिया, तो 1910 रुपया बचा। अब ये जो 1910 रुपया होगा ये 18 माह बाद वाले में जाएगा। 18 माह बाद में हम देख लेते हैं कितना मिश्रधन आता है, तो मूलधन तो आपका 1910 रुपया होगा और इस 1910 पर ब्याज निकालो, तो 1910 में मूलधन गुणे दर 6 समय 1 बटे का 100 कर लो, तो A0 से A0 खोपचा में तो 1910 रुपया A मिलेगा। अब देखो 6 कम 6 6 9 54 और 6 कम 6 5 11, 10 नीचे है तो 1 अंक का 10 और लगा दो तो कितना मिल जाएगा, 1910 प्लस 114.6 जोड़ लो तो 4 0 4 1 1 2 9 1 10 को 0 और ये आपका 2.6, यानी कि 18 महीने बाद उसको 2024.60 रुपया देगा, तो पूरा ऋण अच्छी तरीके से चुका सकेगा। मैंने डियर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम लेकर आपको बताया है, लेकिन उम्मीद है कि ये स्टूडेंट आपको 100% समझ में आया होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यदि आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा होगा,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि साधारण ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। सारे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बिल्कुल कांसेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डियर स्टूडेंट, एक व्यक्ति आवर्ती जमा खाते में रुपया 250 प्रत्येक माह 2 वर्षों तक 6% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर जमा करता है, इसका जमा धन 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। कोई एक व्यक्ति है जो कि 250 रुपया प्रत्येक महीने के हिसाब से 2 साल तक जमा करता है और जो ब्याज दर उसको मिलता है 6%, तो आपको बताना है कि 2 साल बाद उसका टोटल पैसा कितना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कितना पैसा जमा कर रहा है, तो 1 साल का जो है हम निकाल लेते हैं टोटल मूलधन कितना होगा, तो 12 + 7 = 24 = 30, यानी 1 साल का जो मूलधन होगा वो आपका 3000 रुपया होगा। तो 1 साल का हम साधारण ब्याज भी निकाल लेते हैं, तो साधारण ब्याज मतलब क्या होगा, मूलधन गुणे दर, समय आपका 1 साल बटे का 100 हो जाएगा, ए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, तो 30 × 6 कितना होगा 180 रुपया, यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 180 रुपया। तो मिश्र धन क्या होगा, 1 साल का मिश्र धन क्या होगा, मूलधन पर साधारण ब्याज, तो 3180 जोड़ोगे तो 3180 हो जाएगा, यानी 1 साल का जो मिश्र धन होगा वो आपका 3180 होगा। 2 साल की बात की गई है तो मल्टीप्लाई में 2 कर लो, तो 3180 में 2 करोगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 0 × 2 = 16 × 2 = 3 × 2 = 6, यानी 6360 रुपया उसको टोटल अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि 2 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया। यदि यही चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होता तो मैं गुणा करके सॉल्व नहीं कर सकता था। पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ध्यान से देखिएगा पहले क्वेश्चन जो कि किस्त से संबंधित है, इंस्टॉलमेंट से, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस प्रकार से है, मनीष एक टीवी एक निश्चित कीमत पर खरीदता है, ठीक है, और टीवी के मूल्य को रुपया 11,025 रुपए की 2 समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या था ये आपको बताना है। सबसे पहले बाबू क्वेश्चन को समझो, मनीष जो है एक टीवी को एक निश्चित मूल्य पर खरीदता है, और टीवी के मूल्य को टीवी का पैसा कैसे देता है, 11,025 रुपए के 2 समान वार्षिक किस्तों के रूप में देता है, 11,025 रुपए के 2 समान वार्षिक किस्तों के रूप में टीवी के मूल्य को देता है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो आपको यह बताना है कि टीवी का एक्चुअल प्राइस क्या है, टीवी का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझोगे, पहले क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे ना, तो इस वाले क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेंगे और मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर जो दर की बात की गई है वो 5%, तो 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है कि कोई भी चीज आपका 100 रहा होगा, 5% यदि दर लगा होगा तो 100 से कितना बढ़कर होगा 105, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एक 100 है
यदि दर उसमें 5% लग रहा है तो 100 से 105 हो गया होगा। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 सही है मित्रों, अब 5 कितना सही है 105। यहां तक आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन में इस वाले बताऊंगा रेशियो मेथड से बताऊंगा आप बिल्कुल ध्यान से समझना। ये देखिए यहाँ पर 20 से 21 हो रहा है, तो यह पहले साल के लिए आपका कितना 20 से 21 हो रहा है। दूसरे साल के लिए क्या होगा, इसी का वर्ग हो जाएगा। दूसरे साल के लिए क्या होगा, इसी का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 20 का वर्ग और 21 का वर्ग। तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, इसी का क्यूब हो जाएगा, यानी 20 का क्यूब और 21 का। यहाँ तक आपको ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको लेना है केवल दो साल का, तो इसको हम मिटा देते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, यानी पहले साल के लिए 20 से 21 होगा और दूसरे साल के लिए 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यानी उसी का वर्ग कर दोगे तो दूसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, दूसरी किस्त आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया कि दो समान वार्षिक किस्तों में, यानी कि जो किस्तों की संख्या है, जो किस्तों का अमाउंट है वो समान है। जितना रुपया पहले किस्त में देता है उतना ही रुपया दूसरे भी किस्त में देता है, तो यहाँ पर देखो किस्त समान है, किस्त नहीं समान है, तो क्या करेंगे। 20 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 20 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 400, और 21 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 441। क्या दोनों किस्त समान है, नहीं समान है, ये आपका किस्त है ठीक है। तो क्या दोनों किस्त समान है, नहीं समान है, तो दोनों किस्त समान देने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में 21 से गुणा कर लेते हैं, इधर यदि 21 से गुणा करोगे तो इधर भी 21 से गुणा करोगे, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब आप देख सकते हैं दोनों किस्त समान है, क्या दोनों किस्त आपके समान हो गए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो वैल्यू आती है इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम होता है डियर स्टूडेंट वो मूलधन की वैल्यू होती है, और इन दोनों का जो सम होता है वो आपका मिश्रधन की वैल्यू होती है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वो मूलधन की वैल्यू कितना हो जाए 21 गुना 42 यानी 420, और 400 कितना होगा 800, यानी कि मूलधन की जो वैल्यू है 820 रेशियो में है, मूलधन की जो वैल्यू है 820 रेशियो में है। अब देखो 441 और 441 कितना होगा 882, ये आपका मिश्रधन हो गया 882 रेशियो के बराबर। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा डियर स्टूडेंट 441 रेशियो के बराबर होगा। पहला इंस्टॉलमेंट या दूसरा इंस्टॉलमेंट 441 रेशियो के बराबर होगा। यदि किसी भी आपसे पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 882 में से 820 घटा दो 61 रेशियो, यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 61 रेशियो के बराबर होगा। तो मैंने आपको बता दिया मूलधन कैसे निकालोगे, मूल्य को 11025 की दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है, यानी कि 11025 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में टीवी के मूल्य को चुकाता है, तो हमारा प्रत्येक वार्षिक किस्त कितना है 441 रेशियो के बराबर। प्रत्येक वार्षिक किस्त आपका 441 रेशियो के बराबर है, और 441 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 11025। अब हम क्या करेंगे, हम 21 से काट दें, 3 से काट देते हैं, सिंपल बनाते हुए 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 सत्य 21, 3 से काटो 3 तरीका 9, 2 जीरो, 3 छक 18, फिर 2 दो, 3 सत्य 21, 3 पच्चीस 15। फिर हम इसको किससे काटेंगे, 7 से काट लेते हैं, 7 दो 9 14, 7 एकम 7, 7 पच्चीस 35, फिर 7 गुना 14, फिर 7 पच्चीस 35, ठीक है ना। हो अब 21 से काट दिया है, चलो और सिंपल बना लेते हैं, 7 3 21, 7 7 49, 7 5 35, 3 से काटो तो 25 बार, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको 25 रुपये मिलेगा। एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 25 रुपये। आपको बताना क्या है, आपको बताना है क्रम
वैल्यू कितना है 820 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू 25 रुपए है, 820 रेशियो की वैल्यू कितना होगा 820 गुणे 25 कर दो कितना आ जाएगा, एक जीरो चिपका दो, 25 गुणा 50 को जीरो, अब 25 बटे 200 और 200 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 205, यानी कि जो टीवी का क्रय मूल्य था, जो टीवी का एक्चुअल प्राइस था 20,500 रुपया था, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको इस वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस्त वाला है, यानी अगले दो क्वेश्चन आपको किस्त वाले में समझाने वाला हूँ, यदि किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आने वाले दो से तीन क्वेश्चन में आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है राजू एक मोबाइल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और मोबाइल के मूल्य को 10,140 की दो समान किस्त वार्षिक किस्तों में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर पर भुगतान करने का वादा करता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है, मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशियो मेथड से हम साफ करते हैं, ब्याज दर कितना दिया है 4%, ब्याज दर 4% यानी क्या 100 से 104 हो रहा है, इसको सिंपलीफाई कर लो तो 25 चौका 100 4 गुना 8 400 यानी कितना हो रहा है 25 से 26 पहले साल के, दूसरे साल देखिए क्या होगा, इसी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समान वार्षिक किस्तों की बात की गई है, यानी प्रत्येक वार्षिक किस्त समान है, तो क्या दोनों किस्त समान है, दोनों किस्त समान नहीं है तो क्या करेंगे, समान करने के लिए इसमें भी 26 से गुणा कर दो और इसमें भी आप 26 से गुणा कर दो। अब आप देख सकते हो ये जो दोनों किस्त है आपस में समान हो गए, ये जो दोनों किस्त है वो आपका आपस में समान हो गए। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक वार्षिक किस्त जो है वो आपका 10,140 रुपया, प्रत्येक वार्षिक किस्त आपका 10,140 रुपया है, तो किस्त की वैल्यू कितना है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू आपका 676 रेशियो के बराबर है और 676 रेशियो की वैल्यू 10,140 के बराबर है, ठीक है। अब इसको आप काट दो, हम 4 से काट दे दो, 4 से काट देते हैं, ठीक, 4 एकम 4 बचे आपका 2 7, ये 4 6 24, 4 9 6, 4 से काटेंगे 4 9 8, 2 1 4 10 20, 1 4 4 3 12, फिर 4 20, ठीक है ना, 13 से काटो, 13 ही हमें 169, और 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 12 बचेगा और 3 बचेगा, 13 और 104, 13 9 170 है, 13 9 170 है, 6 5 13 5, ठीक है ना, हो फिर 13 से काटो तो 13 एकम 13 है और 13 5, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू आपने निकाल लिया वो आपने निकाल लिया 15 रुपये, एक रेशियो की वैल्यू जो आपने निकाल लिया 15 रुपये, इतना स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपका हो गया 15 रुपया, तो आपका बताना है मोबाइल का क्रय मूल्य कितना, तो ये आपको जो दोनों का सम होता है यही आपका मूलधन होता है, तो कितना होगा 625 से 26 गुणे 25 करो तो 26 गुणे 25 कितना होगा बाबू, 25 छक्का 150, 25 गुणा 50 और 15 कितना होगा, 50 और 15 कितना होगा 65, यानी 650, ठीक है ना, हो 25 छक्का 150, 25 गुणा 50 और 15 65, यानी 650 ये भी कट जाएगा और 625 ये भी कट जाएगा, तो 650 और 625 कितना होगा 1275, कितना होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो आपका 1275 रेशियो के बराबर होगा, किसके बराबर 1275 रेशियो के बराबर होगा। अब एक रेशियो की वैल्यू आपका 15 रुपया है तो 1275 में 15 का गुणा 15 बटे 75, 15 7 105 और 7 112 में 2 11 हासिल, 15 गुना 30 10 40 41 को 1 बजे
125 रुपया जो होगा टीवी का एक्चुअल प्राइस होगा, यानी टीवी का जो प्राइस होगा वो आपका 19,125 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन में और आपको बताऊंगा 2 वर्ष के इंस्टॉलमेंट पर, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, उसको सॉल्व करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से देखिएगा, बोला है एक व्यक्ति 3280 रुपये उधार लेता है, ठीक है, जो 2 वर्ष के अंत तक 2 समान वार्षिक किस्त में, हमेशा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 समान वार्षिक किस्त वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से भुगतान किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताना है। इससे पहले जो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 उसमें आपको मूलधन की वैल्यू रखना है, लेकिन इसमें आपको क्या बताना है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताना है। इसमें आपको प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो 10% की वैल्यू है 5% है, 5% का मतलब क्या आप तो समझ गए होगे ना, 5% का मतलब क्या होगा 20 से 21, ठीक है ना, हो क्योंकि 100 से 105 उसको आप मिनिमाइज करोगे तो 20 से 21 हो जाएगा, तो पहले साल के लिए 20 से 21, दूसरे साल के लिए इसी कवर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 400। अब हमको दोनों किस्त समान करना है, क्योंकि समान वार्षिक किस्त की बात की गई है, तो किस्त समान करने के लिए क्या करेंगे, 21 से गुणा यहाँ और 21 से गुणा यहाँ, तो यहाँ पर आपका मूलधन आ जाएगा, तो 21 गुना 42 यानी 420 और 400 मोड़ोगे तो 820 रुपया जो होगा, 820 रेशियो जो होगा वो आपका मूलधन हो जाएगा, और मिश्रधन कितना होगा 441 और 441 कितना होगा 882, ठीक है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इन्होंने बोल रखा है कि एक व्यक्ति 3280 रुपये उधार लेता है, यानी कि जो मूलधन की वैल्यू है 3280 रुपया है, तो 820 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखा है 3280 रुपये, 820 रेशियो की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 3280 रुपया, क्योंकि मूलधन आपका 3280 है और मूलधन की वैल्यू जो है 820 रेशियो के बराबर है, भाई 0 से 0 पहुंचाने 82 से काटोगे तो 832 होगा, ठीक है 832 होगा, ठीक है, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 4 रुपया है, एक रेशियो की जो वैल्यू होगा वो आपका 4 रुपया है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बताना है, यानी प्रत्येक किस्त कितनी होगी ये आपको बताना है, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 रुपया, तो प्रत्येक किस्त कितना है 441 रेशियो के बराबर, 441 गुणे एक रेशियो की वैल्यू 4 का मतलब 4 × 4 = 16 × 6 = 17, यानी प्रत्येक किस्त का जो मान होगा 1764 रुपया होगा, यानी कि प्रत्येक किस्त जो अदा करेगा वो आपका 1764 करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, ये आपने निकाल लिया प्रत्येक किस्त, यदि मिश्रधन निकाला होगा क्या करोगे, मिश्रधन आपका 882 रेशियो है, तो एक रेशियो की वैल्यू आप 50 रुपया है तो 4 से गुणा करोगे मिश्रधन आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या करोगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाओ तो कितना मिलेगा 882 में से 820 घटाओगे तो 62 रेशियो मिलेगा, अब एक रेशियो की वैल्यू 4 रुपया है तो 62 रेशियो में निकाल दोगे ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, और जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बताया है उसी कांसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो बोला है पवन ने बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 रुपये उधार लिए, ऋण को 2 समान किस्तों में चुकाया गया था, पहला 1 वर्ष बाद और दूसरा अगले वर्ष बाद, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी ये आपको बताना है, यानी कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बताया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आप साफ करके बताइएगा
इसमें भी आपको मूलधन की वैल्यू दे रखा है, दर की भी वैल्यू दे रखा है और समान वार्षिक किस्तों की बात की गई है। तो प्रत्येक किस्त कितना चुकाएगा ये आप बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व करके जरूर बता देना डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, अभी तक तो आपने देखा कि दो समान वार्षिक किस्तों की बात की जा रही थी। अभी तक आपने देखा डियर स्टूडेंट कि दो समान वार्षिक किस्तों की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आगे सॉल्व कराने वाला हूँ, आगे के दो क्वेश्चन एक तीन समान वार्षिक किस्तों पर कराने वाला हूँ। तीन समान वार्षिक किस्तों पर, ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल। देखो बोला है कि 45,500 रुपए की राशि का भुगतान तीन समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से दे हो तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी ये आपको बता। क्या है मूलधन की वैल्यू मैंने दे रखा है 45,500 रुपया है और तीन समान वार्षिक किस्तों में 20% की प्रतिवर्ष की दर से चुकाना है, उसको प्रत्येक किस्त कितना होगा ये आपको बता। तो 20% का मतलब क्या है, 100 से 120 होगा। मिनिमाइज कर लूँ तो 20 25 100 26 120, यानी कि पहले साल को आपका 500 है, दूसरे साल के लिए क्या करेंगे इसी का वर्ग कर देंगे, 25 से 6 का वर्ग करोगे, तीसरे साल के लिए क्या करेंगे इसी का क्यूब कर देंगे, तो 5 का क्यूब करोगे 125 और 6 का क्यूब करोगे तो 200। यहाँ तक सबको क्लियर। अब बात की गई है कि समान वार्षिक किस्तों की, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान समान है, प्रत्येक किस्त का मान समान करो, इसमें 6 से गुणा करेंगे तो यहीं 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 36 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हम 36 से गुणा कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो तीनों आपकी किस्त है समान हो गई, तीनों जो आपकी किस्त हो गई वो आपका समान हो गई। अब मूलधन की वैल्यू कितनी आएगी देखो, तो देखो 36 गुणे 5 करोगे तो 180 और 25 गुणे 6 करोगे तो 150 यहाँ से और 125 यहाँ से। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 8 5 13 2 15 5 और 3 4, यानी 455 रेशियो की बराबर है। मूलधन की जो वैल्यू आ रही है वो 455 रेशियो की बराबर है। अब इन्होंने 455 रेशियो की जो वैल्यू दे रखा है वो 45,500 है। 455 रेशियो की जो वैल्यू दे रखा है 45,500 के बराबर दे रखा है। तो 455 से कम 455 डबल जीरो उतार दो, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 100 रुपया है। एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 100 रुपया। आपको प्रत्येक किस्त का मान बताना है ना, तो प्रत्येक किस्त कितना है, 216 रेशियो के बराबर। तो 216 गुणे 100 कर दो कितना आ जाएगा, 21,600 रुपये। यानी कि प्रत्येक किस्त का जो मान होगा 21,600 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रत्येक किस्त आपका 21,600 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सेम कांसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के। देखो बोला है 25,220 रुपए की राशि का भुगतान तीन समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 5% की दर से दे हो तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी ये आपको बताना है। यानी जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 15 देखा सेम कांसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहां पर बात की गई है 5%, 5% का मतलब क्या होता है 100 से 105, मिनिमाइज कर दो तो 5 की संख्या 100 और 5 की संख्या 105। ठीक, ये पहले साल के लिए 20 से 21, दूसरे साल के लिए इसी का वर्ग होगा तो 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 401, तीसरे साल के लिए क्या होगा 20 का क्यूब कर दो तो कितना हो 8,000। याद कर लो 1 से 30 तक का क्यूब और वर्ग, ठीक है, 21 का क्यूब करोगे तो 9,200। अब प्रत्येक किस्त का मान आपको समान करना है, क्या प्रत्येक किस्त का मान समान है, नहीं है, तो समान करने के लिए क्या करेंगे 21 से गुणा यहाँ पर भी कर दो, 21 से गुणा यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर भी आप 443 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी आप 443 से गुणा कर दो, तो प्रत्येक किस्त का मान आप देख सकते हैं समान है। ठीक है, अब यहाँ पर मूलधन की वैल्यू 25,220 रुपया दे रखा है, तो मूलधन हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखो 441 गुणे 20 करोगे कितना आ रहा है,
चार से चार गुणे से होता है यार, तो दो एक कम दो, दो चौ बार, दो चौ बार, ये हो गया यानी 8820 यहाँ से मिला और यहाँ से कितना मिला 4 × 21 चौ कितना हो गया 84, डबल जीरो का और ये आपका 8000 मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 0 2 आपको बताना है प्रत्येक किस्त का मान कितना है, प्रत्येक किस्त कितना अदा कर रहा है 9261 रेशियो के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू 1 रुपया, तो 9261 रेशियो की वैल्यू कितना होगा 9261 रुपये। इस तरीके से प्रत्येक किस्त को 9261 रुपये चुकाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का लीजिए स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। इस तरीके से दिए स्टूडेंट मैंने आपको साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी कांसेप्ट पर आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सारे कांसेप्ट को सारे टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करें। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी कांसेप्ट में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास के माध्यम से ये स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 1 साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी चैप्टर नंबर 2 पर, तो चैप्टर नंबर 2 जो होगा पहली क्लास होगा क्योंकि सबसे पहले हम बेसिक कांसेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, उसके बाद से क्वेश्चन। आज की क्लास को लेकर मिलते हैं।